नमस्कार, आप आए हैं टिप स्टेशन में जहां आपका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चीकू की पहचान किस तरह से की जाए ताकि चीकू मीठा और पका हुआ निकले। तो आइए शुरू करते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो पहचान का पहला तरीका है चीकू को देखकर। तो यदि चीकू लाल रंग का हो तो इसे ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का चीकू बहुत मीठा होता है। और आप चीकू को उठाकर हल्का सा दबा कर देखिए, यदि वह हल्का सा दब रहा है इसका मतलब चीकू ठीक तरह से पक गया है। और ज़्यादा दबने पर ना ले, क्योंकि वो ज़्यादा पका हो सकता है। दूसरी पहचान के लिए इसे हल्का सा छिलका उतार कर देख सकते हैं आप। यदि ऊपर से ये छिलके के अंदर यदि ब्राउन कलर है तो ये पका हुआ है, यदि ग्रीन है तो चीकू कच्चा है। आप देख सकते हैं ये एक लाल और एक हरा है, तो लाल वाला चीकू आप खरीदें। तो इस तरह से आप लाल और बड़े चीकू ही खरीदें। अब यदि किसी कारण आपके यहाँ कच्चे चीकू आ गए तो आप उसे घर पे ही पका सकते हैं। तो उसके लिए आप ब्राउन पेपर ले लीजिए और इसमें चीकू को लपेट कर, और यदि ठंड का टाइम है तो आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए, और गर्मी में कम से कम 12 घंटे आप रख दीजिए। और यदि आपके पास ब्राउन पेपर ना हो तो आप इसे न्यूज़पेपर में भी लपेट कर रख सकते हैं। तो इससे चीकू आपके अच्छे से पक जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।